हाय गाइस, वेलकम टू माइंड डायनामिक्स। मैं हूं आपकी ब्रेन कोच साक्षी और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो शायद काफ़ी लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं है। हम बात करेंगे आज कि हम किस तरीके से प्रोविडेंट फंड को एक लोन के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से हम डेथ के केसेस में नॉमिनीज़ और उनके जो फैमिली वाले हैं वो उस प्रोविडेंट फंड को यूज़ कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इमेज फॉर्म में है। इसकी वजह यह है कि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो में और मैं कोई इन्फॉर्मेशन मिस नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने ये वीडियो को कुछ इमेज रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में रखा है ताकि अगर कुछ चीज़ें छूटती हैं तो आप देख सकें। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड जो है वो एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संचालित किया जाता है, मतलब सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन देखती है। इससे पहले कि मैं आगे बढूं और आपको विड्रॉल के मतलब पैसे निकालने के कुछ रूल्स बताऊं, मैं पहले बात करूंगी कि सैलरीज़ में से मतलब आप एज एन एम्प्लॉई जब काम कर रहे हैं तो आपकी जो सैलरीज़ हैं उनमें से किस तरीके से पैसा पीएफ ट्रस्ट को जाता है। अगर हम बात करें एम्प्लॉई की तो एम्प्लॉई की सैलरी में से 12% पीएफ के पीएफ अकाउंट में जाता है, मतलब 12% डियरनेस अलाउंस और बेसिक पे का आपकी सैलरी में से पीएफ अकाउंट में जाता है। उतना ही परसेंट कोई भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है, हालांकि एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है मतलब आपकी कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें से 3.67% पीएफ अकाउंट में जाता है और बाकी 8.33% आपका पेंशन में जाता है, मतलब पेंशन स्कीम के लिए जाता है। तो आइए आगे हम डिस्कस करते हैं कि किस केसेस में आप पीएफ का विड्रॉल मतलब पीएफ के पैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट केस होता है रिटायरमेंट। जब आपकी एज हो 58 इयर्स से ज़्यादा तो आप रिटायरमेंट के केस में पूरा पैसा निकाल सकते हैं। सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप 2 महीने तक अनएम्प्लॉयड हैं तो आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। और थर्ड, अगर किसी पीएफ मेंबर की मतलब जिसका पीएफ अकाउंट है और उस मेंबर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनीज या उसके फैमिली वाले वो मनी निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि हम किस तरीके से पीएफ के अकाउंट में से कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं, मतलब कुछ पैसा निकाल सकते हैं, जिसको हम पार्शियल विड्रॉल बोलते हैं। तो आइए अब हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से पीएफ का पैसा पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं, मतलब उसको लोन के फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। वेल, उससे पहले भी कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। नंबर वन, प्रोविडेंट फंड को अगर आप 5 साल से पहले निकलवाते हैं तो उस पर हमेशा टैक्स लगता है, मतलब वो टैक्सेबल होता है। अगर आपका अकाउंट जब भी खुला हो उसके 5 साल में ही अगर आप विड्रॉ करेंगे तो वो मनी अमाउंट जो है वो टैक्सेबल होगा। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है कि आपको पीएफ बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर आप एम्प्लॉयर चेंज कर रहे हैं, अगर आप कंपनीज चेंज कर रहे हैं तो आजकल आप पीएफ आसानी से अपने नए एम्प्लॉयर के पास शिफ्ट कर सकते हैं। आजकल सब प्रोसेसेस डिजिटल हो गए हैं और ईपीएफओ की जो वेबसाइट है epfo.gov.in उस पर सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। उस पर आप अपना यूएएन नंबर यूज़ करके सारी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे रख सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं एंड अपना जो भी आपका जो ट्रांसफर्स हैं वो आप कर सकते हैं। बस आपको यूएएन नंबर जो है नई ऑर्गेनाइजेशन में भी सेम देना पड़ेगा। थर्ड चीज़ आती है कि आप अगर कहीं पे काम कर रहे हैं तो आप वहाँ वहीं के फंड को फुल तरीके से नहीं निकाल सकते, मतलब अगर आप कहीं पे कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं तो वहाँ पे आप वहाँ के प्रोविडेंट फंड को फुल्ली विड्रॉ नहीं कर सकते। हाँ, पार्शियल विड्रॉल लोन के फॉर्म में
एक्सेप्टेबल है और उस पर भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं जब आप अलग अलग केसेस के लिए पार्शली फंड विदड्रॉ कर सकते हैं। तो आइए वही केसेस डिस्कस करते हैं। नंबर वन, मेडिकल ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट की विड्रॉल लिमिट होती है 6 times आपकी मंथली सैलरी के या एम्प्लॉई का जितना भी शेयर है प्लस इंटरेस्ट, जो भी चीज़ कम होगी इन दोनों में से उतना आप विड्रॉ कर सकते हैं। इसको आप अपने लिए, अपने स्पाउस के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, मतलब आपकी कितने भी साल की सर्विस हो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है रीपेमेंट ऑफ होम लोन, मतलब अगर आपको अपने होम लोन का रीपेमेंट करना हो तो आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। आप अपने पीएफ अकाउंट से 90% तक का पैसा जो जमा है उसको आप निकाल सकते हैं। बस शर्त यह है कि हाउस या घर जो है वो आपके नाम पे रजिस्टर्ड होना चाहिए या आप जॉइंट होल्डर होने चाहिए। इसके लिए लॉक इन पीरियड है वो है आपका एटलीस्ट 3 साल का सर्विस, मतलब कम से कम आपका 3 साल का सर्विस कंप्लीट होना चाहिए तभी आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट आता है वेडिंग, मतलब अगर आपकी मैरिज हो रही हो या आपके सिबलिंग्स की मैरिज हो या आपके बच्चों की मैरिज हो तो आप पैसा विड्रॉ कर सकते हैं करीबन 50% जितना कि एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन हो, मतलब आप सिर्फ अपने कंट्रीब्यूशन में से 50% पैसा निकाल सकते हैं। इस फैसिलिटी के लिए लॉक इन पीरियड है 3 साल, कम से कम 3 साल की सर्विस कंप्लीशन होनी चाहिए तभी आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है रेनोवेशन और घर का रिकंस्ट्रक्शन, मतलब अगर आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कोई घर है और अगर आप उसका रेनोवेशन या तोड़वा के फिर से दोबारा पूरा बनवाना चाहते हैं तो आप उस चीज़ के लिए भी पैसे की हेल्प पीएफ से ले सकते हैं। इसका विड्रॉल लिमिट होता है 12 times आपकी मंथली सैलरी के, मतलब जितनी भी आपकी मंथली सैलरी होगी उसका 12 times मैक्सिमम आप इतना पैसा निकाल सकते हैं और मिनिमम जितना अवेलेबल हो। कंडीशन ये होती है कि आपका जो घर है वो आपके नाम पे होना चाहिए या जॉइंटली आप एक जॉइंट मेंबर होने चाहिए, जॉइंटली आपके नाम पे घर रजिस्टर्ड होना चाहिए। इसका लॉक इन पीरियड कम से कम 5 साल है, मतलब कम से कम 5 साल की सर्विस जो है वो रिक्वायर्ड होती है इस तरीके के लोन के लिए। नेक्स्ट केस आता है रिकंस्ट्रक्शन एंड रेनोवेशन ऑफ हाउस, मतलब अगर आपको अपना घर दोबारा बनवाना हो या रिकंस्ट्रक्ट करना हो तो उस केस में आप पीएफ की इस फैसिलिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसमें विड्रॉल लिमिट है 24 times आपकी मंथली सैलरी के अगर आप सिर्फ एक प्लॉट परचेस कर रहे हैं, और अगर आप रिकंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो 36 times आपके मंथली सैलरी के आप करवा सकते हैं। कंडीशन ये आती है इस चीज़ में कि आपका जो घर है वो आपके नाम पे होना चाहिए या आपके नाम पे जॉइंटली रजिस्टर्ड होना चाहिए, और इसका लॉक इन पीरियड होता है कम से कम 5 साल, कम से कम 5 साल आपको सर्विस सर्व करना है तभी आप इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं कि किन केसेस में आप पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट केस, रिटायरमेंट के केस में आप अगर आपकी एज 58 years हो या उससे ऊपर हो तो आप पूरा पैसा निकाल सकते हैं। सेकंड केस आता है अनएम्प्लॉयमेंट के केस में, मतलब अगर आप जॉबलेस हो, अगर आप कहीं पे भी जॉब नहीं कर रहे हैं तो विद इन 1 month आप 75% पैसा निकाल सकते हैं 1 month के बाद, और बाकी का जो 25% है वो 2 months कंप्लीट होने के बाद निकाल सकते हैं। थर्ड केस आता है इन द केस ऑफ डेथ ऑफ अ पीएफ मेंबर, तो ऐसे केसेस में अधिकतर ये देखा जाता है कि नॉर्मली नॉमिनीज या जो क्लेमेंट्स होते हैं उनको पैसा मिलता है और वो लोग कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दिखा करके ये जो आपका फैसिलिटी है इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, और उनको सारा अमाउंट मिलता है पेंशन का, इंश्योरेंस का, और आपका पीएफ अमाउंट भी सारा का सारा अमाउंट क्लेमेंट या नॉमिनी के नाम पे मिलता है। बट इसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि नॉमिनी का नेम पीएफ ऑफिस में रजिस्टर्ड होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्हें ये बात का पता नहीं होता कि अगर डेथ
हो जाती है पर्सन की, तो किस तरीके से हम पीएफ अमाउंट को क्लेम कर सकते हैं और किस तरीके से आप बाकी चीज़ों का फ़ायदा, मतलब इंश्योरेंस का और पेंशन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आइए आगे हम इसी प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी चीज़ के बारे में डिटेल में बात करूँ तो प्लीज़ उस पर कमेंट कीजिएगा। अगर आप EPF के क्लेम की बात करें तो बहुत आजकल चीज़ें बहुत आसान हो चुकी है और सिर्फ एक कॉम्पोजिट क्लेम फॉर्म होता है जो आपको जमा करना होता है। अगर आप ऑफलाइन प्रोसेस से जाते हैं तो ऑनलाइन प्रोसेसेस और भी आसान हो चुके हैं। आप आसानी से अपना UAN नंबर के थ्रू ऑनलाइन फॉर्म्स जमा कर सकते हैं या क्लेम कर सकते हैं और क्लेम स्टेटस SMS के द्वारा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाता है। वीडियो ख़त्म करने से पहले हम जल्दी से ये डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से हम डेथ के केसेस में कुछ डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से चीज़ों को ज़्यादा जल्दी कर सकते हैं, मतलब आपका जो पीएफ अमाउंट है उसको आप ज़्यादा जल्दी पा सकते हैं, क्योंकि ऐसे केसेस में पैसों की बहुत ज़रूरत होती है। तो आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए रहेंगे, आप चाहें तो आप उनका नोट भी कर सकते हैं। नंबर वन, आपको डेथ सर्टिफिकेट चाहिए रहेगा उस पर्सन का। नंबर टू, क्लेमेंट जो भी है, मतलब जो भी क्लेम कर रहा है उसके साथ जॉइंट फोटोग्राफ। नंबर थ्री, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट बच्चों का, अगर उनके नाम पे आप पेंशन क्लेम करना चाहते हो तो। फोर्थ, कोई स्कीम सर्टिफिकेट, अगर कोई स्कीम के अंडर वो एनरोल्ड हैं तो उसका सर्टिफिकेट। नंबर फाइव, कैंसल चेक की कॉपी या अटेस्टेड कॉपी बैंक पासबुक की, जिस अकाउंट में आप पैसा चाहते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के हेल्प से आप इजीली क्लेम कर सकते हैं पीएफ अमाउंट और आपका जो क्लेम प्रोसेस है वो ऑनलाइन और भी इजी हो जाता है। इसलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपका UAN रजिस्टर्ड नहीं है तो प्लीज़ फ्यूचर पर्पसेस के लिए अपने पीएफ अकाउंट में UAN रजिस्टर करके रखिए, ताकि आप जितने भी बेनिफिट्स हैं EPFO के उसे आप यूज़ कर सकें। फिर मिलेंगे कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई जानकारी लिए। तब तक के लिए bye bye, keep watching my videos, and अगर आपको videos पसंद आते हैं तो please comment कीजिए, like कीजिए, उन्हें share कीजिए उन लोगों के साथ जिन लोगों को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है।